दोस्तों आज हम बनाएंगे 1 कप गेहूं के आटे से क्रिस्पी क्रंचीज मोमोज, जिसे आप बहुत ही कम समय में आसानी से तो फिर बिना देर के हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1.5 कप आटा लिया है। इस आटे को मैंने घर पे पहले ही चाल लिया था, तो आप भी चाला हुआ ही आटा यूज करें। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक को डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम 2 या 3 चम्मच कोई भी तेल, आप जो तेल यूज करती हैं उसे हम डालेंगे। इससे हमारे आटे का डो काफी क्रिस्पी बनेगा दोस्तों। इतना करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। उसके बाद इसे अच्छी तरह से गूंधेंगे। हम इसमें एक बार पानी नहीं डालेंगे दोस्तों, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि आटा अच्छी तरह सॉफ्ट गूंधे। ऐसा करने से दोस्तों हमारे आटे का जो डो है वो नरम और मुलायम तैयार होगा। मैंने जैसा बताया दोस्तों, आप वैसे ही आटे का डो तैयार करें। लगभग मेरे आटे का डो तैयार हो चुका है, तो इसे अब हम ढक कर अलग रख देंगे ताकि ये फूल सके। तो अब हम मोमोज की फिलिंग की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी लिया है। इसे हमने महीन महीन क्रश कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर मैंने आधा फूल गोभी लिया है, जिसे महीन वाले चॉपर से चॉप कर लिया है, तो इसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे गाजर ले सकते हैं। इसमें हम 1 चम्मच नमक को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये पानी छोड़ सके। इतना करने के बाद इसे हम ढककर कुछ देर के लिए अलग रख देंगे। अब मैंने 1 आलू लिया है, इसे मैंने पहले ही छीलकर पानी में डाल दिया था ताकि काला ना पड़े। इसे हम इस चॉपर से चॉप कर लेंगे। आलू हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाएगा, इसलिए मैंने फिलिंग में आलू का इस्तेमाल किया है। सारे आलू को क्रश करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से पानी से निचोड़ लेंगे। आलू में स्टार्च होता है, तो हम इस आलू को अच्छी तरह से निचोड़ेंगे ताकि सारे स्टार्च निकल जाएं। सारे आलूओं को चॉप करने के बाद मैंने इसे एक अलग बर्तन में रख लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें जो बचा हुआ पानी है वो भी निकल सके। अब इस आलू को भी हम कुछ देर के लिए रख देंगे। हमारे मोमोज ज़्यादा क्रिस्पी बने, इसके लिए मैंने एक बाउल में 1/2 कप आटा लिया है और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है। आप भी अपने हिसाब से डालिएगा। हमने इस आटे में 1 चम्मच लाल काश्मीरी मिर्च डाला है और 1 चम्मच सफ़ेद तिल भी डाला है और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। हमें इस आटे का एक घोल तैयार कर लेना है, जिसके लिए मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। मुझे यहाँ पे घोल ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी और ऐड किया है और इसे अच्छी तरह मिक्स किया है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लगभग हमारा घोल तैयार हो चुका है, तो हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे और इसमें थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फाइनली हमारा तिल वाला बैटर भी तैयार हो चुका है, तो इसे ढककर कुछ देर के लिए हम अलग रख देंगे। बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि सब्जियों में नमक डालने के बाद सब्जियां पानी छोड़ती हैं। हमारी सब्जियों ने भी ढेर सारा पानी छोड़ा, जिसे हमने ड्रेन आउट करके एक बॉल में ले लिया है। मैंने सब्जियों के साथ आलू को भी एक साथ मिक्स कर लिया है। इन सारी सब्जियों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। हमें इन सारी सब्जियों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 कटे हुए प्याज लिए हैं, जिन्हें हमने पहले ही बारीक काट लिया था। इस कटे हुए प्याज को इन सब्जियों में हम डाल लेते हैं और साथ ही मैंने 3 हरी मिर्च जो बारीक काट के रखी थी इसमें डाल लेंगे। साथ ही मैंने करीब 1 इंच अदरक क्रश किया हुआ इसमें डाल दिया है। साथ ही मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाली है और 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्चा जो कुटा हुआ है उसे भी डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ भुंजे हुए मसाले भी ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 चम्मच कुटी हुई जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाला है। ये सारे मसाले डालने के बाद मैंने 1/2 कटी हुई नींबू निचोड़ी है इसमें। आप चाहें तो इसकी जगह पर अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। हम इन सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने अभी नमक का यूज नहीं किया है, नमक हम फिलिंग भरते टाइम डालेंगे। हमने जो आटा गूंथ कर रखा था वो लगभग सेट हो चुके हैं, तो हम इससे एक छोटा डो बना लेंगे। इस डो से हम एक ही साथ ढेर सारा मोमोज बनाएंगे, इसलिए हमने इतना बड़ा डो लिया है। हम इस डो को सूखे आटे में लपेट कर
एक बड़ी रोटी तैयार कर लेंगे। आप अपने हिसाब से रोटी मोटी या पतली रख सकते हैं। तो लगभग मैंने इतनी बड़ी रोटी तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं। इस गिलास की सहायता से हम एक साथ बहुत सारी पूरी तैयार कर सकते हैं। आप देखिए जैसा मैंने कट किया है, आप उसी तरह से कट कर लीजिएगा। तो मैंने एक साथ इतनी सारी पूरियां तैयार कर ली हैं और इस बचे हुए पार्ट को मैंने इस तरह से हटा लिया। अब यहाँ पर हम स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर लेंगे। आप ध्यान से नमक डालिएगा क्योंकि हमारा नमक पहले भी इसमें डाला हुआ है। तो नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। हम इसमें फिलिंग पूरी के हिसाब से ही डालेंगे, वरना ये फ्राई करते टाइम फट सकती है। हमने इस मोमोज का डिज़ाइन कुछ इस तरह से रखा है, जिसे आप जल्दबाजी में भी बहुत अच्छी तरह से भर सकते हैं। तो जैसा मैंने किया है उसी तरह से आप भी देखते हुए बना लें। तो इसी तरह हम बराबर फिलिंग भरते हुए सारे मोमोज को बना लेंगे। हमने ढेर का पाटे में इतने सारे मोमोज बनाकर रेडी कर लिए हैं। हमने जो तिल वाला बैटर तैयार किया था उसे इस तरह से चला लेंगे और एक मोमोज को इसमें डालकर डीप करेंगे और इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा तेल यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकती हैं। अक्सर बच्चे हर दो दिन बाद मोमोज खाने की ज़िद करते हैं, तो ये मोमोज सेफ्टी भी हैं और क्रंची भी हैं। ये मोमोज आप बहुत जल्दी और घर के सामान से ही बना पाएंगे और यकीन मानिए ये बहुत ही कुरकुरे और क्रंची बनेंगे। एक बारी में हमने इतने सारे मोमोज डाल लिए थे, ये एक तरफ से क्रंची हो चुकी है, तो इसे हम अब पलट लेते हैं। यहाँ पर हमने बहुत कम तेल का यूज़ किया था, इसलिए हमें इसे फ्राई करने के लिए बहुत ही सावधानियाँ बरतनी होंगी। तो फ्राई पैन को हल्के से उठाते हुए इसे हम अच्छी तरह से लाल कर लेंगे। तो फाइनली अब हमारे मोमोज तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे मोमोज को फ्राई कर लेंगे। तो फाइनली मैंने 1.5 कप आटे में घर के सामान से इतने सारे मोमोज बना लिए हैं। ये आपके घर में बच्चे हों या बड़े, सभी को पसंद आने वाले हैं। तो इस रेसिपी को आप अपने घर में एक बार ज़रूर बनाएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।